अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है मटन दम बिरयानी की। कच्चे मटन की दम बिरयानी हम बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल का आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने 600 ग्राम्स बोनलेस मटन लिया है। सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून सॉल्ट। थ्री टीस्पून रेड चिली पाउडर, वन फोर्थ टीस्पून हल्दी, तीन इलायची, तीन लवंग और हाफ टीस्पून मैंने शाही जीरा लिया है। वन टेबलस्पून मैं घी के ऐड करूंगी। टू हंड्रेड ग्राम्स कर्ड, वन बंच कोथमीर और वन बंच पुदीना, टू ऑनियंस जिनको मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया था, वन टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, वन टी स्पून मैं ये मटन मीट मसाला ऐड करूँगी, थ्री ग्रीन चिलीज, एक नींबू का रस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। ये देखिए, 5 कप्स राइस को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून शाही जीरा, चार इलायची, तेज पत्ता, वन टेबल स्पून जितना मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। 50% होने तक हम राइस को बॉईल कर लेंगे। चलिए अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर देते हैं। मैरिनेटेड मटन को हम डालेंगे पहले। हाफ कप जितना मैं वाटर ऐड करूंगी ताकि अच्छी सी भाप बने इसमें। ये 50% कुक्ड राइस को हम ऐड कर देंगे। तो इसी प्याज को बचा कर रख लिया था मैंने, वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा घी ऐड करूंगी। एल्युमिनियम फॉइल से इसको हम ढक दें। देखिए, एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर दिया मैंने। अब इसको ढककर हम 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, फिर 20 to 25 मिनट्स सिम कर दें। मिलती हूँ आपसे हाफ एन आवर के बाद। बहुत ही डिलीशियस बनी है। Thank you.
देखिए हमारी मटन बिरयानी बनकर एकदम से रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे मेथड से आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।